हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वीआईपी एडुसर और ये है मैथमेटिक्स की क्लास 10। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हम लोगों ने इससे पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कर चुके हैं और पिछले सेशन में हमने आर एस अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 4 एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम थी। आज फिर हम यहाँ पे इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता ही है, ये हमारा आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसके पार्ट वन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4A यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन 39 तक सॉल्व किए थे और फिर हमारा आया था पार्ट टू जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40, 41 और 42 सॉल्व किए और आज ये आपका पार्ट थ्री है जिसमें हम लोग आज 43 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करेंगे। तो बने रहे वीडियो में, देखते रहे अंत तक। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, जो कि क्वेश्चन 40 और 41 जैसा ही क्वेश्चन ये भी है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ एक बात कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि वो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आर एस अग्रवाल बुक के में क्वेश्चन के बाद हिंट दिया होता है, उस हिंट को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं अपने नोटबुक में और कहते हैं कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको उस वो हिंट देख करके आप अगर समझ जा रहे हैं, आपको समझ में आ जा रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है, आप सीख जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सीख पा रहे हैं देख करके, बिल्कुल बस जैसा लिखा था वैसा का वैसा कॉपी कर लिया अपने नोटबुक में और बोल रहे हैं कि हम सीख चुके हैं क्वेश्चन को, तो ये बहुत ही गलत है। ऐसा आप ना करें, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ना कि कॉपी करने आने चाहिए। तो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। और जो मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है और इस मेथड से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको हमेशा याद रहेगा और काफ़ी आसानी से आप सॉल्व भी कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स 4b² माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से क्लियर कर दिख रहा है कहीं ना कहीं कोई स्क्वायर का कंसेप्ट आ रहा है। हो सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर कंसेप्ट यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज कर पाए। तो कोशिश करते हैं पहले हम उस फॉर्मूले को बनाने का, क्या उस पर ये आ पाता है या नहीं। सबसे पहले लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर, और अगर फॉर्मूला में होता क्या है, ए प्लस माइनस बी स्क्वायर में होता क्या है, इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ पे माइनस, ऐसा होता है। तो इसमें जो ये जो मिडिल टर्म होता है या फिर 2ab का जो पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, एक 2 होता है, दूसरा पहला टर्म होता है और तीसरा सेकेंड टर्म होता है। तो यहाँ पे हमें ऐसा किस में नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें इस पार्ट में ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि ये हो सकता है ये 2ab हो मे बी। तो आइए चेक करते हैं, इसे कोशिश करते हैं ऐसा फॉर्म कराने का। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इस ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2ax माइनस 4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, जो क्या है ये, जो ये a है, ठीक है। अब क्या है, ये माइनस 2ab वाला पार्ट है, माइनस 2 लिख दिया यहाँ पे। a क्या है, a मेरा x है, यहाँ लिख देंगे x। बी क्या है, तो बी यहाँ पे ये ए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है। आगे ट्राई करते हैं, अगर आगे का सेटिस्फाई हो गया, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें बी स्क्वायर चाहिए। यहाँ हमें अगर इसका इसका ए यानी ए लिखा इसका स्क्वायर मिल जाता है, समझ जाएंगे कि हाँ ये फॉर्मूले पे आ रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ए दिख रहा है, हम लोग चाहें तो इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, प्लस ए स्क्वायर, और जो लिखा है माइनस 4b जो बच गया उसे हम लोग वैसा का वैसा भी लेंगे। तो अगर देखें ध्यान से हम लोग इस पूरे को, ये क्या हो चुका है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है। तो कौन सा फॉर्मूला बना है, तो वो बना है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a यहाँ पे है क्या, यहाँ पे a है x, और b क्या है, b है हमारा a, लिखेंगे x माइनस a होल स्क्वायर, और फिर क्या बच के हमारे पास 4b। हम लोग चाहे तो 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे, 2b होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब क्या दिख रहा है, फिर से सेम जैसा क्वेश्चन 40 41 में आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता क्या है,
ये होता है x माइनस ए, सॉरी ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार हम लोग इसे प्लस करेंगे और सेकेंड टाइम इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो फैक्टर मिल चुका है, पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये। इन दोनों को यूज करके हम लोग एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये होगा हमारा 0 के बराबर तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा ए माइनस टू बी। और अगर ये होगा 0 के बराबर तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए प्लस टू बी। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों रूट्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसा क्वेश्चन 41.2 था वैसा ही ये भी क्वेश्चन था। तो एक बार देख लीजिए अच्छे से, नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग नोट डाउन करते रहिए, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या किया हम लोगों ने, पहले ब्रैकेट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमें स्क्वायर का कंसेप्ट नज़र आ रहा था, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे लाने का। तो हम लोगों ने पहले फॉर्मूला क्रिएट किया, फिर बचे हुए टर्म्स को एज इट इज लिख दिया। फिर क्या क्या मिला हमें, फिर हमें देखने को मिला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा था। तो हम लोगों ने फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया। तो फिर हमें वहां से दो फैक्टर्स मिल गए और दोनों फैक्टर्स को हम लोगों ने 0 से इक्वेट करके एक्स के दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो लेते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 44 है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल देख के आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल कैसा है, क्वेश्चन नंबर 42 के जैसा है। तो हम लोग बिल्कुल 42 के जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को एक बार पॉज कर ले और खुद से कोशिश करें सॉल्व करने की। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 42 के जैसा ही है, अभी अभी आप लोगों ने देखा है तो वह सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो बिल्कुल सीख जाइएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है हमें, यहाँ पे एक ये क्वालिटी क्वेश्चन दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20। सबसे पहला काम क्या होगा, इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, काफी क्लियर सॉल्व करते जाएंगे। -20 इक्वल टू 0, हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर 20 लाना है। क्या करेंगे हम लोग, -5b प्लस 4b -20 इक्वल टू 0। आगे यहाँ से b कॉमन निकल जाएगा और इसमें से 4 कॉमन निकल जाएगा इक्वल टू 0, तो मिलेगा बी माइनस 5 और मिलेगा बी प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बी इक्वल, आगे सॉल्व की जरूरत नहीं है, हमें काम किससे है, हमें काम है फैक्टर से, हमें फैक्टर मिल गया। तो पहला काम मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब क्या था इसका मिडिल टर्म, ये है क्या, ये है -2b -1। तो हमें इन दोनों को एड सब्ट्रैक्ट कैसे भी करके हमें ऐसा लाना है। तो अभी मैंने बताया था कि इस पे 3 कंडीशंस होते हैं, आप दोनों को प्लस कर दें सेकंड कंडीशन, फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दें, थर्ड कंडीशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें। तो हम देखते हैं यहाँ पे -2b -1 कैसे आएगा। अगर दोनों को ऐड करते हैं, ओवरली करेंगे, इस बार लिखेंगे नहीं इतना, बी प्लस बी 2b 5 -5 प्लस 4 -1। तो क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है 2b -1 मिल रहा है। लेकिन दोनों कैसा मिल रहा है, दोनों मिल रहा है हमें पॉजिटिव मिलेगा, है ना, दोनों कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं। तो सेकेंड टाइम चेक करते हैं दोनों को माइनस करके, जैसे माइनस करके क्या होगा, ये बी बी कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा -5 -4 -9, नहीं चाहिए हम लोगों को। इसमें जिसको माइनस करेंगे तो भी क्या होगा, फिर से बी कैंसिल हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन में हमें किसी में माइनस नहीं मिला। तो पहले में क्या मिला था, पहले में ये एग्जैक्टली ये सेम मिल गया था लेकिन हमें माइनस नहीं मिला था। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, दोनों के फैक्टर में माइनस लगा दें आगे में, जैसे कि ऐसा कुछ करते हैं -b -5 और फिर से भी कर दे -b +4। अब दोनों को एक बार ऐड करते हैं क्या होता है, ऐड करते हैं -b ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा -b, ये हो जाएगा -4। दोनों को ऐड करना है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2b और ये हो जाएगा +1। अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या मिलेगा, -2b
टू बी माइनस वन। तो एडिटिव जैसा कैसा जैसा हमारा मिडिल टर्म है वैसा का वैसा मिल गया। कब मिला? जब दोनों फैक्टर्स में हम लोगों ने माइनस साइन ऐड कर दिया। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस फाइव एक्स माइनस बी प्लस फोर एक्स प्लस, इसके जगह क्या लिखेंगे, इसका जो फैक्टर आया था क्या आया था, b माइनस फाइव इंटू बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो, इसे हटा देते हैं। यस, इसका काम हमारा हो चुका है, इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इक्वल टू जीरो आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में x दिख रहा है, x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से मिलेगा x, यहाँ मिलेगा माइनस बी माइनस फाइव, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बी प्लस फोर निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस फोर को अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ मिलेगा x माइनस बी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। फिर क्या दिख रहा है, फिर हमें दिख रहा है ये इतना बड़ा टर्म जो है ये पूरा का पूरा दोनों में सेम है, तो इसे निकाल लेंगे x माइनस बी माइनस फाइव, और रिमेनिंग क्या होगा, x माइनस बी प्लस फोर। आप लोगों के लिए दोनों फैक्टर यहाँ पे रेडी है, आप आसानी से दोनों को जीरो से इक्वेट करके निकाल सकते हैं। तो आइए कर लेते हैं, x माइनस बी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो, यहाँ सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, x इक्वल टू बी प्लस फोर, यहाँ सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, x इक्वल टू बी माइनस फाइव। तो हमारे पास दोनों रूट्स इस तरह से सॉल्व हो चुके हैं, दोनों रूट्स हमें मिल चुके हैं। तो क्या क्वेश्चन कितना आसान था, अगर आप काउंट करना चाहें देख सकते हैं कि एक दो तीन चार स्टेप में हमारा क्वेश्चन, चार से पांच स्टेप में क्वेश्चन बन गया, और बस इसका फैक्टर हमें अलग से निकालना पड़ा। तो और ये काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है, आपको अब तक ध्यान में आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको अब नज़र आएगा आपको ध्यान में तुरंत आएगा कि ऐसा हम लोगों ने कभी किया था, सॉल्व किया था, कैसे किया था। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद हम लोग मिडिल टर्म जो हमारे पास है उससे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करके, जैसे ही बन जाएगा फिर तो पता ही कैसे करते हैं, कॉमन निकालेंगे और हमारा फैक्टर रेडी हो जाएगा, फिर एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अब तक आई थिंक 4 to 5 लेक्चर्स मैं आई थिंक ले चुका हूँ, तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आपको पता ही है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं उसे आप और सीख सकते हैं। तो लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 45 होने वाला है। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 45 आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 4A, जो है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो आप फिर से देख रहे होंगे कि आपके सामने फिर वैसा ही क्वेश्चन आया है, इसमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, एक इक्वेशन के अंदर एक और इक्वेशन है। तो अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, एक और फायदा आप लोगों को मिलने वाला अगर ये सेशन है पूरा का पूरा, क्वेश्चन 42 क्वेश्चन 50, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आएंगे। बार बार अगर आप देखेंगे अच्छे ढंग से तो 10 क्वेश्चन देखने के बाद इन 10 क्वेश्चन में आपको काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सॉल्व करते हैं इसे। पहला काम क्या होता है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखा क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस एट इक्वल टू जीरो, ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एट लाना है तो क्या करेंगे, हम 4a में से 2a माइनस कर देंगे, 8 मिल जाएगा, यहाँ से a कॉमन निकालेंगे, a प्लस फोर यहाँ से निकालेंगे माइनस टू कॉमन, तो मिल जाएगा a प्लस फोर इक्वल टू जीरो। हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ चुके हैं। तो अब क्या करना, अब इन दोनों फैक्टर्स को यूज करके देखना है कि ये मिडिल टर्म क्या है। मिडिल टर्म यहाँ पे है 6, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, ये 6 है। तो ये 6 आता है या नहीं, पहले चेक करते हैं, चेक करेंगे a प्लस ए टू ए, नहीं मतलब ही नहीं, ऐड किए क्या मिला, a प्लस ए टू ए मिला है तो छोड़ देंगे। अब करते हैं माइनस, इसमें से सो करते हैं, a माइनस ए कैंसिल, माइनस टू माइनस फोर मिल रहा है माइनस, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लस सिक्स चाहिए, क्या करेंगे हम लोग उल्टा माइनस करेंगे, a प्लस फोर में से a माइनस टू को माइनस करेंगे, इससे ये कैंसिल और इससे ये हो जाएगा प्लस टू, फोर प्लस टू इक्वल टू प्लस सिक्स। तो हमें मिल गया, कैसे मिला, जब हम लोग सेकेंड फैक्टर में से फर्स्ट फैक्टर को माइनस किए, ध्यान रखना है। तो लिखेंगे उसी
सीक्वेंस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस फोर एक्स माइनस ए माइनस टू एक्स माइनस, इसकी जगह लिखेंगे इसके जगह पे जो फैक्टर हमारा आया था यहाँ पे ए माइनस टू इंटू ए प्लस फोर, इसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों को अब नहीं है, ए प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स कॉमन निकल जाएगा, मिलेगा हमें एक्स, क्या मिलेगा x प्लस ए प्लस फोर माइनस, इसमें से a माइनस टू कॉमन ले सकते हैं, a माइनस टू इसमें मिलेगा x, और यहां मिल जाएगा वन सेकंड, हाँ माइनस है तो यहां मिल जाएगा हमें प्लस a प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो इसमें से हमें ये टर्म पूरा का पूरा मिल जाएगा कॉमन, तो लिखेंगे x प्लस ए प्लस फोर, ये मिल जाएगा x माइनस ए माइनस टू इक्वल टू जीरो। दो फैक्टर हमें मिल चुका है, जैसे ही इसको इक्वल करेंगे इक्वल जीरो से और इसे भी इक्वल करेंगे जीरो से, तो क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू माइनस फोर माइनस ए, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू ए माइनस टू। तो इसी लिखते हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो मिल जाएगा a प्लस फोर। तो हमारे पास दोनों रूट्स यहाँ पे फाइंड आउट हो चुके हैं, a माइनस टू एंड a प्लस फोर। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 45 को भी काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। देखते रहें, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, ऐसे ही करते रहेंगे तो आपका भी प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मेथड्स काफ़ी कन्वीनियंट और इजी मेथड है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, RSSL बुक एक्सरसाइज 4A क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। होता क्या है ना आप लोगों के साथ कि क्वेश्चन देखे तो लगा कि अजीब सा क्वेश्चन आ गया, नया सा क्वेश्चन आ गया, तो उसे सॉल्व ही नहीं करते हैं। मैं एक स्टूडेंट से मिला तो आप लोगों को दिखाता हूँ उसका ऐसे क्वेश्चन को देख करके एक्सप्रेशन कैसा था। देखा आप लोगों ने, ये क्वेश्चन को लेकर के सोचे जा रही है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, और सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रही है, बस देख रही है उसे कि सॉल्व कैसे होगा, सोची जा रही है। तो हमें ये मैथ्स है, ये क्या है, ये मैथ्स है, हमें मार्कर हमें पेंसिल का यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा सा आप लिखेंगे आगे का रास्ता वो खुद नजर आएगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम हम लोग इस ब्रैकेट को यहाँ से ऑमिट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि फर्स्ट सेकेंड टर्म में अगर देखें ध्यान से, इन दोनों टर्म में हमें बी भी दिख रहा है कॉमन और एक्स भी कॉमन दिख रहा है, तो क्यों ना हम लोग इस बी और एक एक्स को कॉमन निकाल लें। तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा ए एक्स और इसमें मिलेगा बी, ठीक है। और इन दोनों में ध्यान से देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है कॉमन, कॉमन ए दोनों में नहीं है, सी हाँ इन दोनों में, ये सी जो है ये कॉमन दिख रहा है, तो माइनस सी निकाल लेते हैं हम लोग कॉमन, तो क्या मिलेगा हमें इधर मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें सी निकालेंगे, यहाँ मिलेगा ए एक्स और यहाँ मिलेगा माइनस बी सॉरी प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ए एक्स प्लस बी और ये हो जाएगा बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी अगर जीरो के बराबर होगा तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस बी बाई ए, और अगर बी एक्स माइनस सी जीरो के बराबर होगा सी जाएगा इधर b जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x इक्वल टू हमें ये मिल जाएगा c बाई बी। तो इस तरह से हमारे पास दोनों रूट्स फाइंड आउट हो गए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को देखने से नहीं होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे ही आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो अगर मैं इसे देखते रहता कि ब्रैकेट है ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्या किया उस ब्रैकेट को ब्रेक की, ऑटोमेटिकली हमें दिखा कि इसमें ये कॉमन है इसमें ये कॉमन है और ये सॉल्व हो गया। आई होप आप लोग भी ऐसा ही करेंगे।
ना कि उसके तरह क्वेश्चन को बैठ के देखते रहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन लिखा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ax माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर। तो आपने क्वेश्चन को देखा होगा, क्वेश्चन 40 से हम लोग क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, और पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, आपको लगा होगा ऐसा मैंने देखा है, ये स्क्वायर स्क्वायर बार बार आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है ये उसी वाले कंसेप्ट पे बेस्ड हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर पे। तो क्यों ना एक बार ट्राई कर देखते हैं, कोशिश करते हैं उस फॉर्मूला पे इसे सेट करने की। तो एक काम करें, आप लोग यहीं पे वीडियो को पॉज कर लें तुरंत, और फिर से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे पता है डेफिनेटली आप लोग इसे कर पाइएगा। तो आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं बस वही काम कर रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर पे लाने की कोशिश। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा, मेरा ए कहलाएगा, और माइनस यहाँ पे 2 है, ए क्या होगा, ए तो मेरा एक्स आएगा, और बी क्या आएगा, बी क्या होगा, बी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और अगर हम लोग माइनस 4 ax को लिखे ऐसे 2 into x इंटू 2 a, तो 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2 a। और ये क्या है, ये इसे लिखते अगर ऐसे 2 a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस जगह से, इस जगह जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे इस फॉर्मूला पे आ गया। कौन सा फॉर्मूला पे आ गया, तो एक्स माइनस 2 a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे इस फॉर्मूला पे आ गया, हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे। इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 a प्लस b इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 a माइनस b इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 a माइनस b, यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 a प्लस b। इस तरह से हमारे पास दोनों रूट्स यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा अभी वीडियो को पॉज करके, तो बिल्कुल आपका सेम रिजल्ट आ ही गया होगा। लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन 48 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, सिर्फ ब्रैकेट था। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत तेज से सॉल्व करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और फिर देखेंगे, ढूंढेंगे क्या कुछ कॉमन निकल पा रहा है या नहीं। तो आइए करते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे, 4 x स्क्वायर, जैसे ब्रैकेट ब्रेक क्या मिलेगा हमें, 2 a स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर, दोनों में x लग जाएगा, यहाँ x भी था, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या करेंगे, यहाँ से देख रहा है कि इसमें x भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, निकालेंगे 2x कॉमन, यहाँ मिलेगा 2x, यहाँ 2 निकल चुका है, क्या मिल जाएगा हमें, एक a मिलेगा और एक मिलेगा, सॉरी x तो निकल चुका है, तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ध्यान से देखें तो b भी मिल रहा है, बी स्क्वायर भी है और कुछ नहीं है, तो बी का कॉमन निकालेंगे, क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2x, और यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या दिख रहा है, ये और ये दोनों सेम है, तो लिख लेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर, इधर लिखेंगे 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, अगर 2x माइनस ए स्क्वायर 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये निगेटिव जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू मिल जाएगा बी स्क्वायर बाई 2। तो हमें दोनों रूट्स यहाँ पे मिल गए, ए स्क्वायर बाई 2 और बी स्क्वायर बाई 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ये होगा कि आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर देखें कि हम यहाँ पे सॉल्व कैसे कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 14 होने वाला है।
स्टूडेंट्स आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 49 आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। अगर आप देखते हैं तो ये और ये सारे क्वेश्चन बार बार बता रहा हूँ मैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। यहाँ पे लिखा क्या, फिर से ब्रैकेट मिल गया, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम लोग ओमिट करने की कोशिश करेंगे, क्या मिल जाएगा ये -9a² x + 8b² x - ये प्लस हो गया +6ab = 0। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, पहले हम पहले दोनों टर्म में हमें क्या दिख रहा है कॉमन, हमें दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है और साथ में a भी दिख रहा है कॉमन और x भी दिख रहा है कॉमन, निकालें 3 x को, यहाँ मिल जाएगा हमें 4 बी एक्स, यहाँ मिलेगा 3 ए, ओके बी नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 ए, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से निकालते हैं 2, बी भी है लेकिन ए नहीं है और एक्स भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बी एक्स माइनस 3 ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों सेम मिल चुका है हमें, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 4bx - 3a = 3ax + 2b = 0। आपको पता ही है इससे 0 से इक्वेट करेंगे और फिर इससे करेंगे इक्वेट, तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा तो हमें मिलेगा 4bx = 3a और x = 3a/4b, और इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा x = -2b, ये जाएगा इधर और ये आ जाएगा 3a डिनोमिनेटर में। इस तरह से हमारे पास दोनों रूट्स आ चुके हैं, तो देखा आपने कितनी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखने में लगते हैं ऐसे क्वेश्चन भयावह, बड़े बड़े क्वेश्चन, ब्रैकेट्स, बड़े बड़े डिजिट्स, स्क्वायर, ABCD, तो डरना नहीं है, थोड़ा सा पेन उठाना है, फिर अपने नोटबुक पे उसे घुमाना है, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 50। फ्रेंड्स आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा क्या है इसमें, a² + a² b² और यहाँ पे a² b² x² + b² x - a² x - 1 = 0। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वेश्चन 42, क्वेश्चन 50, तो करीब करीब 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, तो इस 11वां क्वेश्चन में ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 1, 2, 3, 4 टर्म दिख रहा है। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। जब हम लोग टर्म्स को स्प्लिट करते हैं, मतलब मेन टर्म को स्प्लिट करते हैं, क्या बन जाता है, वहाँ पे 4 टर्म आ जाता है। तो उस चारों टर्म में से क्या करते हैं, पहले 2 में से कुछ कॉमन निकालते हैं, फिर आखिर 2 में से कुछ कॉमन निकालते हैं और फिर हम लोग फैक्टर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ से कि हमें कुछ फैक्टर्स मिल जाए, कुछ कॉमन मिल जाए। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें b कॉमन है, इसमें b कॉमन है और x कॉमन है, तो निकाल लेते हैं एक b एक x को, यहाँ क्या मिलेगा b² निकाल लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा ऐसा, यहाँ मिल जाएगा 1, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तो निकाल लेते हैं माइनस कॉमन, तो यहाँ मिल जाएगा a² x और यहाँ मिल जाएगा +1 = 0। तो ये हो गया a² x + 1 और bx - 1, तो आज का सबसे आसान क्वेश्चन वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, bx - 1 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x = 1/b और यहाँ से आ जाएगा x = -1/a². इस तरह से हम लोगों ने आज के आखिरी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो आप लोगों ने देखा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों ने उसे कितने आसानी से, कितने कन्वीनियंट मेथड से, काफ़ी कम स्टेप्स में अच्छे से सॉल्व कर लिए। तो ये होता है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो भी मेथड्स मैंने बताए हैं इस तरीके को यूज करें।
अगर आप पहले से दूसरे किसी मेथड्स में कंफर्टेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इस मेथड्स पे प्रैक्टिस करें, आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे फुल कंसेप्ट के साथ आप लोगों को सारा क्वेश्चन बताया है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक और चीज़, अगर आज जो आपने देखा इसके बाद करना क्या है, आपको इन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर कर पाते हैं तो अच्छी बात है, तो बार बार इस वीडियो को रिपीट कर देखिए, तब तक देखिए देखिए फिर सॉल्व कीजिए, देखिए फिर सॉल्व कीजिए, तब तक देखिए जब तक कि आप इस 10 क्वेश्चन को सीख नहीं जाते हैं। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, इस पर्टिकुलर 4A में है, उन सभी क्वेश्चन को जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनका काम क्या है, पहला काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी जितने भी अब तक वीडियोस आए हैं, पॉलीनोमियल्स चैप्टर यानी कुछ इन टू वेरिएबल्स चैप्टर, और ये थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। RS अग्रवाल एक्सरसाइज 4A जो अभी सॉल्व कर रहे हैं, इससे पहले एक्सरसाइज NCERT बुक के एक्सरसाइज 4.2 को हम लोगों ने सॉल्व किया था, जाकर के उन सभी वीडियोस को देखिए, सीखिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए।